हाय गाइस, कैसे हो आप? हम है फूड हंटर्स और हम आपके लिए आज एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। और आज हम एक चॉकलेट रिव्यू करेंगे जो है नेस्ले की तरफ से न्यूली लॉन्च्ड और उसका नाम है मंच नट्स। तो चलो देखते हैं ये चॉकलेट दिखता कैसे है। इसका पैकेजिंग कुछ फंकी है और इसका पीछे के साइड कुछ ऐसे दिखता है। और इस चॉकलेट के पीछे ये लिखा हुआ है कि पर चॉकलेट इसके अंदर कुछ 146 कैलोरीज है। तो ठीक है, ज़्यादा हैवी नहीं है ये चॉकलेट खाने के लिए। आप डेफिनेटली एक चॉकलेट खा सकते हैं अगर आप कैलोरी कॉन्शियस है तो। तो चलो मैं इसको अभी खोलता हूँ आपके लिए और देखते हैं ये चॉकलेट पूरा दिखता कैसे है। तो ये है चॉकलेट। इसका टेक्सचर जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इतना स्मूथ नहीं है, पीछे से थोड़ा स्मूथ लगता है। और इसके ऊपर पीनट्स बहुत सारे हैं हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, और मुझे पीनट्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो देखते हैं ये मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो मैं इस आपके लिए एक पहला बाइट लेता हूँ। तो ये जो पीनट्स है वो रोस्टेड है, तो रोस्टेड पीनट्स किसी को भी अच्छा लगता है। और ये चॉकलेट के साथ वो अच्छे से जा रहे हैं। और इसके अंदर का इसका जो वेफर है वो भी थोड़ा चॉकलेटी है। और ये चॉकलेट जो है थोड़ा सॉल्टी साइड पे है और स्वीट ज़्यादा है नहीं, बट ये जो सॉल्टी नेचर है चॉकलेट का कुछ स्पॉइल करता नहीं है चॉकलेट के टेस्ट को। और हमको इसका टेस्ट अच्छा लगा है। और कैडबरी फ्यूज़ जो है इसका डायरेक्ट कंपेटिटर है, और ये जो चॉकलेट है हमारे हिसाब से कैडबरी फ्यूज़ से ज़्यादा अच्छा है। और ये तीन चॉकलेट्स है जो सबसे ज़्यादा बिकते हैं ये रेंज में, वो है स्निकर्स, ये और कैडबरी फ्यूज़। तो स्निकर्स हमारे हिसाब से अभी भी टेस्ट में सबसे बेस्ट है इन तीनों में। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ये चॉकलेट का टेस्ट पसंद नहीं आया और ये चॉकलेट अच्छा नहीं है। ये चॉकलेट का भी टेस्ट उसके खुद के लीग में बहुत ज़्यादा अच्छा है। और तो एडिशन कुछ है नहीं बताने के लिए चॉकलेट के बारे में नया। और अगर आपको ये चॉकलेट और वीडियो दोनों अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और आपकी तरफ से जितना होता है इस लिंक को शेयर कीजिए, क्योंकि वो हमारे जैसे क्रिएटर्स को हेल्प करता है आपके लिए अच्छे वीडियोज लेके आने के लिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो एक बेल का आइकॉन दिखता है उसको प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएंगे और आप होंगे उन कुछ लोगों में जिनको हमारी वीडियो के बारे में जैसे ही अपलोड होता है आपको पता चलेगा। तो प्लीज़ वो बेल आइकन भी दबाइए। और थैंक यू, अभी मैं ये चॉकलेट को एंजॉय करता हूँ आपके लिए।